श्री राधा कृष्ण दूधेश्वर महादेव गणपति व रामदेव मंदिर पर किया वार्षिक ध्वजारोहण व भजन संध्या का आयोजन, कई जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। सायला उपकुंड क्षेत्र के तहिवा ग्राम में श्री दूधेश्वर महादेव व राधा कृष्ण मंदिर का 12वां एवं श्री गणपति व रामदेव मंदिर का प्रथम वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ साधु संतों के सानिध्य में मनाया गया। वार्षिकोत्सव को लेकर गोल महंत आशा भारती महाराज, मीठा महंत उमेद गिरी महाराज, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, मुख्य सचेतक एवं जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, प्रदेश मंत्री शामलाराम देवासी, सायला प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वार्षिकोत्सव को लेकर सुबह से ही लोगों का मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया था, जो 9 बजे तक मंदिर परिसर में सभी लोग आ गए। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व गाजा बाजों के साथ चारों मंदिर शिखरों पर लाभार्थी परिवारों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। माहौल महादेव व राधा कृष्ण, गणपति व रामदेव जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। वहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, वहीं अगले साल के वार्षिकोत्सव के छड़ावे की बोलियां बोली गई, जिसमें ग्रामीणों ने चढ़ बढ़ कर भाग लिया। गौ माता के सारे की छड़ावे की बोलियां भी बोली गई। कार्यक्रम के दौरान महाप्रसादी व धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्व रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश लोहार एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता मंगल सिंह सिराणा, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय सिंह, तलसाराम लयालाल बावत्रा, भीम सिंह खेत सिंह, विक्रम सिंह सायला, हाजाराम देवासी, किसान नेता भंवरलाल बावत्रा, बावत्रा सरपंच पार्समल राजपुरोहित, जीवाना सरपंच उत्तम सिंह, जालमपुरा सरपंच लीलाराम चौधरी, सोसाइटी अध्यक्ष अल्पत सिंह, व्यवस्थापक केपी सिंह, हनुमान सिंह सिराणा सहित कई जने मौजूद रहे।